सो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों ने पिछला क्लासिफिकेशन जो पढ़ लिया था उसमें मोनो हैलोजन कंपाउंड्स और डाई हैलोजन कंपाउंड्स वी हैव ऑलरेडी डन। अभी हमें ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स एंड टेट्रा हैलोजन कंपाउंड्स को पढ़ना है। सो लेट्स प्रोसीड विद देम। नाउ ट्राई हैलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें तीन हैलोजन एटम्स अटैच्ड होते हैं। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिखाया है क्लोरोफॉर्म का, CHCl3 का, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तीनों हैलोजन एटम्स एक ही कार्बन पे अटैच्ड हो तभी उसको ट्राई हैलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। ये तीनों हैलोजन एटम्स एक ही कंपाउंड में अलग-अलग कार्बन एटम्स पे भी अटैच हो सकते हैं तो भी उसको ट्राई हैलोजन कंपाउंड ही कहा जाएगा। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनमें या तो एक कार्बन पे तीन हैलोजन एटम्स हो या अलग अलग कार्बन पे तीन हैलोजन एटम्स हो, लेकिन नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स अगर 3 है एक ही मॉलिक्यूल में तो उसको ट्राई हैलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स 4 है तो उसको टेट्रा हैलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में कार्बन टेट्राक्लोराइड शो किया है जिसमें एक कार्बन पे चार हैलोजन एटम्स या चार क्लोरीन एटम्स अटैच्ड हैं, लेकिन ये चारों हैलोजन एटम्स अलग अलग कार्बन पे भी अटैच्ड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए तब उसको टेट्रा हैलोजन कंपाउंड कहा जाएगा। अभी अगर आप बॉन्ड्स का डिजाइन देखें तो आप देखेंगे कि तीन टाइप के बॉन्ड्स हैं, एक जो स्ट्रेट लाइन से शो किया गया है, एक ब्रोकन वेज से शो किया गया है और एक सॉलिड वेज से शो किया गया है। अभी ये यू कैन इजीली रिलेट कि ये अलग अलग प्लेन पे बॉन्ड्स को दिखाने का तरीका है। एक बॉन्ड दिखाने का तरीका है ऑन द सेम प्लेन एज द सेंट्रल एटम, दूसरा अबव द प्लेन, तीसरा बिलो द प्लेन। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड डिपिक्शन। नाउ फर्दर इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो नोमेनक्लेचर के दो तरीके हैं, एक तो एल्काइल हैलाइड का कॉमन नेम और दूसरा इसका आयुपैक नेम। नाउ कॉमन नेम में एल्काइल ग्रुप को पहले लिखा जाएगा और आयुपैक नेम में हैलोजन को पहले पोजीशन दी जाती है नाम में। लो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे पहला है CH3Cl जिसका कॉमन नेम है एल्काइल ग्रुप जो कि मिथाइल है वहां पे, तो कॉमन नेम हो गया मिथाइल क्लोराइड। जबकि हैलोजन है क्लोरो तो इसलिए आयुपैक नेम हो गया क्लोरोमीथेन। इसी तरीके से C2H5Cl जिसका कॉमन नेम एल्काइल ग्रुप हो गया इथाइल, तो इथाइल ब्रोमाइड, या फिर जो आयुपैक नेम है वो हो गया ब्रोमोइथेन। नाउ फर्दर एल्काइल ग्रुप है प्रोपाइल, तो कॉमन नेम हो गया प्रोपाइल आयोडाइड जबकि आयुपैक नेम हो गया 1-iodopropane। इसी सेम उसका सेकेंड जिसमें क्लोरीन क्लोरो फंक्शनल ग्रुप है तो नाम हो गया कॉमन नेम आइसोप्रोपाइल क्लोराइड जबकि आयुपैक नेम हो गया 2-chloropropane। नेक्स्ट इज एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जिसमें कि ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप एंड में लगा है, सो इट इज नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, अदरवाइज इट इज 1-bromobutane। इसी का सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जिसमें ब्रोमो फंक्शनल ग्रुप सेकेंड कार्बन पे लगा है यानी वो सेकेंडरी कार्बन है, जबकि इसका आयुपैक नेम हो गया 2-bromobutane। एंड लास्टली आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड या 1-bromo-2-methylpropane क्योंकि सेकेंड पोजीशन पे मिथाइल फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। सो दिस इज हाउ एल्काइल हैलाइड्स आर गिवन कॉमन नेम्स एज वेल एज देयर आयुपैक नेम्स।